आज का वीडियो उन 10 अनोखे क्रिएचर्स के बारे में है जिन्हें शायद ही आपने कभी देखा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो लिस्ट में 10वें नंबर पर है शूबिल स्टॉर्क। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला ये अनोखा प्राणी देखकर शायद आप चौंक जाए। शूबिल स्टॉर्क की हाइट 5 फुट से ज्यादा होती है और उनके विंग्स 8 फीट तक खुल जाती है। स्टॉर्क की खासियत ये है कि वो अपने शरीर को स्थिर रखकर घंटों तक एक ही जगह पर खड़े रह सकते हैं, जो कि बहुत डरावना लगता है। द ब्राजीलियन ट्री हॉपर। अगर आप दुनिया के अलग अलग क्रिएचर्स के बॉडी पार्ट्स को मिक्स करके एक नया क्रिएचर बनाएंगे तो वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसा दिखेगा और वो बिल्कुल एक ब्राजीलियन ट्री हॉपर जैसा दिखेगी। इस इंसेक्ट को देखकर लगता है कि ये किसी हॉरर मूवी का मॉन्स्टर हो। इसके सर के ऊपर बॉल की बनावट जैसा कुछ हेलीकॉप्टर जैसा है और पंखों की बनावट छतरी जैसी है, जो ब्राजील के बिन मौसम बारिश से बचाती है। बॉल डुआकारी बंदरों की एक नस्ल है। साउथ अमेरिका के जंगल में पाए जाने वाले इस बंदर के फीचर्स काफी हद तक इंसानों से मिलते हैं। इसकी बॉडी पर लंबे और घने बाल होते हैं। इसका चेहरा और सर बहुत लाल होता है। जब ये पैदा भी होते हैं तब बालों के साथ पैदा होते हैं, पर जैसे ही इनकी उम्र बढ़ते जाती है चेहरे और सर के बाल झड़ जाते हैं। द ब्लू ड्रैगन। अपने रंग और अपने बनावट के वजह से इसे ब्लू ड्रैगन कहा जाता है। वैसे तो इनका ड्रैगन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हाइट में 1 से 2 इंच के होते हैं और पानी में तैरते हैं। इनकी बॉडी का कलर ब्लू, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट और सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशंस में होता है और दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। ये ज्यादातर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। द बैरल फिश। इस फिश को देखकर आपको ऐसे ही लग सकता है कि ये किसी एनिमेटेड मूवी का कैरेक्टर है और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये सच में एग्जिस्ट करता है। अपने ट्रांसपेरेंट बॉडी की वजह से ये साइंटिस्ट के लिए आज तक एक पहली बनी हुई है। ये मछली अपने ट्रांसपेरेंट सर से 800 मीटर की दूरी तक देख सकती है। इंसान कुदरत की इस कारागिरी को सराहे बिना नहीं रह सकता। द फिलिपिन ईगल। ईगल कम्युनिटी में सबसे शक्तिशाली पक्षी माना जाता है। फिलिपिन ईगल 60 साल तक जी सकते हैं। इनका वजन 6 से 8 किलो तक का होता है और इतने शक्तिशाली होते हैं कि आराम से एक छोटे डियर का शिकार बना सकते हैं, जो कि उनके अपने वजन के हिसाब से डबल होते हैं। द पेंगोलिन। पेंगोलिन एक बहुत ही अनोखा जानवर है। अपने दोस्तों में कुछ दोस्त ऐसे जरूर होंगे जो थोड़े से शर्मीले किस्म के होंगे, बस उसी तरह पेंगोलिन भी बहुत शर्मीले होते हैं। अपने आसपास वो किसी का होना पसंद नहीं करते। हर साल 10,000 से ज्यादा पेंगोलिन मारे जाते हैं। चाइना और वियतनाम में इनका सेवन किया जाता है। पेंगोलिन के शल्क का मेडिसिनल फैसिलिटीज के लिए उपयोग किया जाता है। द सेनेका वाइट डियर। ये डियर की जाति में सबसे प्राचीन प्राणी है। आज तक उन पर अलग अलग किस्म की कहानियां लिखी गई हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में अगर आपको सेनेका डियर दिख जाए तो उसे बहुत लकी माना जाता है। साइंटिस्ट के हिसाब से उनमें नॉर्मल डियर के मुकाबले थोड़े अलग जीन्स होते हैं, बट आज के वक्त में इन्हें देख पाना बहुत मुश्किल है। द यांग्स फिनलेस पॉर्पोइस। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सबसे ज्यादा अंधे के प्राणी सबसे खूबसूरत होते हैं। कुछ उसी तरह यांग्स फिनलेस पॉर्पोइस की स्माइल को देखकर लगता है, पर वक्त के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसीलिए उनको नेचुरल एनवायरमेंट में ज्यादातर नहीं पाया जाता। दुनिया भर में लगभग सिर्फ 1,000 पॉर्पोइस बचे हैं। द बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट। एक हाथी तो साधारण कहीं पर भी दिख जाता है, पर बोर्नियो पिग्मी आम हाथी के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं, जो दिखने में बहुत क्यूट होते हैं। माना जाता है कि 17 सेंचुरी में अमीरों के घर में उन्हें पालतू प्राणी की तरह रखा जाता था। नेचुरल खान पान ना रहने की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है। दोस्तों, आपको इन सब क्रीचर्स में कौन सा सबसे अनोखा और खतरनाक लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।